तो दोस्तों, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन में जियो व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर लिया या फिर डाउनलोड कर लिया और लेटेस्ट वर्जन आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपने जियो व्हाट्सएप का जिस भी वर्जन में डाउनलोड किया होगा उसको आपको डिलीट कर देना है, और दोबारा से आपको कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको गूगल में जाकर टेक्निकल छोरा सर्च करना है, उसके बाद आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर में क्लिक करना है। इस वाली वेबसाइट के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाले पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सर्च बार में टाइप करना है जीवी व्हाट्सएप। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से जी व्हाट्सएप को सर्च कर देते हो तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो करके आ जाएगा, जो कि आप यहां से मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद अपने जिस भी वर्जन को इंस्टॉल कर रहा था वो वाला वर्जन आपको दोबारा से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यहां से हम इस वाले वर्जन को दोबारा से अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपली यहां से मैं पहले वाले लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस वाले वर्जन को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आपको ये काम करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ से प्ले स्टोर में चले जाना, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से कोने में प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ से प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर में क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप लोगों को नीचे में प्ले प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से कोने में सेटिंग के आइकन के ऊपर में क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ये दोनों आपके ऑन होंगे, तो इन दोनों को आपको यहाँ से ऑफ़ कर देना। ऑफ करने के बाद दोबारा से आपको अपने जी व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके देख लेना, आपका जो जी व्हाट्सएप है वो 110% आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में जी व्हाट्सएप और FM व्हाट्सएप दोनों का यूज कर रहा हूँ इस ट्रिक का यूज करके। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट जरूर करें।